फाइनली शुरू हो चुका है वनराज का वो गुस्सा जिससे कि उम्मीद ही हमने की थी। आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जहां पर वनराज के सामने ही अनुज और अनुपमा बहुत करीब नजर आने वाले हैं और आने वाला है नया तूफान। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर अनुपमा की मदद करते नजर आते हैं अनुज और उसको लैपटॉप ओपन करके वो किंजल का बनाया हुआ प्रेजेंटेशन दिखाती है जो काफ़ी हिंदी लैंग्वेज में होता है और अनुज को वो आइडिया देती है कि हमें गृहिणियों को सेफ की जगह रखना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा अपना पैसा भी बचेगा और बहुत हम उनको जिस तरह से जो भी गेस्ट आएंगे उनको हम एक तरह से अपनापन फील करवा सकते हैं। और ये आइडिया अनुज को वो कहता है कि प्रैक्टिकल नहीं है और इन लोगों का आइडिया प्रैक्टिकल है, यानी कि अनुपमा का आइडिया थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है और शायद उसके लिए टीम राजी भी नहीं होगी, लेकिन कहा का कोई आइडिया बहुत पसंद आता है। और अनुज कहता है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और उसके बाद वो सब लोग जा रहे होते हैं तभी अनुपमा को पीछे से टोकता है अनुज और उसे वो डिब्बा देता है और उसे कॉलेज के दिनों की याद आ जाती है और वो सारी चीज़ें याद है कि वो क्या क्या खाया करती थी और उसका पीछा करता था वो हमेशा ही। और अनुपमा वो शायरी में से सब बातें कह जाता है जो कि अनुपमा को समझ में नहीं आती, लेकिन काका बहुत हंस रहे होते हैं। और उसके बाद अनुज को वो कहती है आज तो आपने मुझे कॉलेज के दिनों की याद दिला दी। और अनुपमा वहाँ से जाती है और वनराज वो सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अकेले में क्या ये तिजोरी में थोड़ी रखा था डब्बा, ऐसे भी तो दे सकता था। और वो कोई जवाब नहीं देती और आगे निकल लेती है और ये तीनों ही साथ में आते हैं घर पर। तो दूसरी तरफ समर नंदिनी को मनाता है, डांस करते हैं दोनों, काफ़ी रोमांटिक डांस होता है और कान पकड़ कर समर माफ़ी मांग लेता है और दोनों में फिर से सब कुछ ठीक हो चुका है कि मम्मी ने मुझे समझाया और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वहीं अनुपमा को वनराज और वहाँ पर दिखाया जाता है वनराज और दोनों ही काव्या लेकर आते हैं। काव्या सिर्फ मीटिंग के बारे में बात कर रही होती है ऑन द वे में और अनुपमा को सिर्फ डिब्बे पर ध्यान होता है और वो इमली खा के खुश हो गई, इमलियाँ खा रही होती पीछे बैठी और वनराज को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो आते ही घर पर उसको टोंड मारता है कि पहली बार किसी को इतनी अच्छे से इमली खाते हुए देखा है। तो वहीं वो अनुपमा कहती है ठीक है ये एक लो पकड़ो इमली और अपने आप को आईने में भी देख लेना खाते वक्त, किसी को गुस्से में खाते हुए भी आप पहली बार देखोगे। और उसके बाद नहीं वो उस पर गुस्सा भी होते हैं काव्या और वनराज। आइडिया देने से पहले तुम्हें सोच तो लेना चाहिए, तो वो कहती है कि आज हवाई जहाज का आइडिया दिया था तब भी तो सब लोग हंसे ही होंगे, सब नए आइडिया पर हंसते ही हैं, देखते हैं अब कान्हा जी चाहते वही होगा। और ये सब डिस्कस भी अनुज अपने टीम के साथ में करता है, वो टीम ही अब कुछ ये डिसाइड करने वाली है। और अब दिखाया जाएगा कि अनुज पहुंचता है कैफे में आधी रात को जहाँ पर अनुपमा उसे बहुत ही प्यार से खाना खिला रही होती है और वहाँ पर देखने को मिलता है कि राखी दवे, वनराज और काव्या तीनों ही पहुँचते हैं और उन दोनों को लाइट चली जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है और कैंडल लाइट डिनर सा हो जाता है। और ये सब देखकर वनराज को राखी दवे भड़का देती कि आपके दिन तो गए और अब मुझे लगता है ये दोस्ती से आगे कुछ और बढ़ने वाला है। अब देखना है कि ये सब कुछ होने के बाद में वनराज क्या करता है।